शालेय पोषणारा या संदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हेच तर देशभर विविध टीका टिप्पणी प्रारंभापासूनच होत आहे. नव्हे तर त्याला कारण देखील तसेच असतात. याचाच प्रत्यय पाचोरा येथे नुकताच जिल्हा परिषद उर्दू कन्या शाळेत पालक व विद्यार्थ्यांना दिसून आला. या शालेय पोषणारात चक्क किडेयुक्त खिचडी विद्यार्थ्यांना देण्यात आली. या संदर्भात ध्येय न्यूजने प्रत्यक्ष भेट दिली असता संबंधित विद्यार्थी पालक व शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून ध्येय न्यूजला मिळालेली प्रतिक्रिया. बेटा आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? छठी. छठी में. अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे खाने को मिलता है ये यहाँ से बना, यहाँ आपके सामने बनाया जाता है? हाँ, क्या घर से बनाया? यहाँ पे बनाते हमारे सामने. वो खिचड़ी का रूम है लेकिन उस पर ताला लगा. अभी खिचड़ी दे दिए ना तो लोग चले जाते. घर पे चले जाते बर्तन और सही से धो के जमा के चले जाते. अच्छा बेटा, ये जो अभी वो एक लड़की के खिचड़ी के अंदर अभी कीड़े निकले, ये रोज निकलते है क्या? नहीं, कभी कभी हमारे खिचड़ी में कांच निकलता है, पता निकलता है कभी कभी. ऐसा है क्या? कभी कभी निकलता, और वो तो कांच निकलता, नहीं तो फिर कुछ भी निकलता. भी निकलता? हाँ, निकलता. लड़कियों के जुबान में छुप जाता है सर, निकाल के देखते ना कुल निकलता उनकी जुबान में से. कांच बहुत खतरनाक रहता उसमें, कांच भी निकलता. यानी आज जो थालियों के अंदर बच्चों को ये जो कीड़े मिले ये काय के वजह से? यहाँ पे सफाई होती नहीं के चावल? होती है, होती है, होती होती. जब जब इधर से चावल लेके जाते ना तो उधर जाके साफ करते. फिर ये कीड़े कैसे क्या है फिर आज? क्या पता. अरे कोई कोई चावलों में हो जाते हैं अंकल, खराब रहते हैं अंकल. कोई कोई चावल खराब रहते. तो वो खराब खराब चावल भी आपको खिलाए जाते? नहीं, निकाल के फेंक देते. निकाल के फेंक देते. भैया अभी अभी ये बच्चों ने बोला कि कुछ बच्चों के चावलों के अंदर खिचड़ी के अंदर कभी कभी कांच निकलता है, बच्चों के मुंह में लग जाता है. सही बात है सर, क्योंकि इससे पहले अल्ली निकली, हमने नजर अंदाज किया, चलो जान दो. अभी कीड़ा निकला ना, भाई को फोन किया मैं, तो भाई बोले स्कूल में आ डायरेक्ट लेके, उसके अंदर कीड़े पाए था चावल के अंदर. हाँ, हमने देखा उसके. और अभी बच्चे तो यहाँ बोल रहे हैं सर कि काज भी निकल दे बोले. अभी घर के बच्चे ध्यान रखेंगे कि अपन तो जॉब वगैरह दुकान वगैरह पे रहते. क्या खाते अपन ध्यान नहीं रखते. अच्छा, अभी कीड़े निकले इससे पहले अल्ली निकली, अभी बच्चे बता रहे काज निकली. फिर स्कूल के सर कर रहे क्या? तो फिर आपको ये जो मिला है, फिर आपने कंप्लेंट अभी यहाँ पे करने को आपको क्या मिला? हाँ, तो कंप्लेंट से कोई सर ही नहीं सर, यहाँ कोई सर, कोई सर ही नहीं. अभी दो आए, अभी आपके आप आए तो दो जना आए. अच्छा सर, आपके स्कूल का नाम क्या है? जिला परिषद उर्दू कन्या शाला पाचोरा. आपका नाम सर? अब्दुल एजाज अब्दुल रऊफ. कितने टीचर है सर यहाँ पे? टोटल 10 टीचर है लेकिन अभी कार्यरत 8 है. आपके यहाँ तो कोई दिख रहे नहीं अभी? तो अभी खाना खाने की छुट्टी हुई थी, सब टीचर घर पर जाए हुए थे. यानी 1:30 से 2:30 बजे तक का टाइमिंग है, 2:20 तक का, तो 2:15 बजे तक सब टीचर आ जाएंगे. तक तो सब दोपहर के बच्चे चले जाते घर पे? हाँ हाँ, वो हमारे हेडमास्टर है, हमसे बात करते. तो ये खाने के अंदर जो कीड़े मिले उसका क्या है? अब वो सर बताएंगे, एक मिनट सर से बात करें. आपके कौन है? हेडमास्टर हमारे. तो आपका नाम क्या है? फैयाज खान अब्बास खान. खान साहब, यहाँ पे अभी बच्चों के थाली के अंदर कीड़े निकले, कीड़े निकले हैं. कौन से सर, कौन से? ये देखो एक कीड़ा है सर, रख दो उसके अंदर. नहीं, उसको रंधे वही पे कीड़ा बाकायदा दिख रहा है सर आपको. तो यही नहीं बल्कि देखो, और इसके अंदर ये देखो छोटे छोटे कीड़े भी है. कलम मैं बोल के सर साफ कर लगाऊँ, इंशाल्लाह आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं मिले तुमको. बस सर, अगर बात यह है कि बच्चों ने अभी अभी बताया कि कभी कभी कांच में जबान को भी कांच लग जाता है, खून निकलता है. नहीं सर, ऐसा तो कोई. अभी लड़कियों ने बोला सर, अभी सर लड़कियों ने बोला, हमने कुछ नहीं, सर ने बच्चे का वो लिए खतरे भी निकलते बोले. कभी कभी चुनने में गलती हो जाती है सर. सर ये तो आपकी आपका काम नहीं है, आपका तो खाली एडमिनिस्ट्रेशन का काम है. मगर जो लोगों को आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनको उनकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को कैसा खाना. उनको सर उनको बोलकर अभी समझ दे दूंगा, पहली गलती उनको एक करके अपन समझा देंगे. आप उसको बाकायदा आप समझ बाकायदा कागज पत्र देने वाले क्या? मुँह से बताने नहीं, जबानी बोलूंगा और कागजी पत्र नोटिस दूंगा, लिख ही दूंगा सर उनको. बस थैंक यू सर. धैर्य न्यूज प्रतिनिधि मनोज बड़गर सोबत स्वप्निल कुमावत पाचोरा.